मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में पुलिस ने दोनों आरोपियों मिहिर शाह और ड्राइवर राज ऋषि को आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी गलती मानी है, लेकिन ये भी कहा गया है कि महिला बम्पर में फंसी हुई थी, उन्हें नहीं दिखी। आरोपी मिहिर शाह ने अपने किए गए अफसोस जताते हुए कहा कि उससे गलती हुई है, साथ ही वर्ली सीजे हाउस से वर्ली सी लिंक तक ले जाकर सीन रिक्रिएट भी किया गया। कल पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। इसी बीच जांच में कई और अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। पूरे मामले में कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर यत्न हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगाई गई है हिट एंड रन के तहत। तो पुलिस उस संदर्भ में जो भी पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको इस्टेब्लिश करने की, सबूतों की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में है, उससे उसे सफलता मिल रही है, क्योंकि दोनों ही आरोपी फिलहाल उसके कस्टडी में हैं, मिहिर शाह और ड्राइवर राज ऋषि विदावत। यही हुआ है, और चूंकि राज ऋषि की जो पुलिस रिमांड है वो आज खत्म हो रही है, आज उसे कोर्ट में ले जाना होगा, इसलिए कल रात में ही जो जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों से कि उन्होंने दोनों को आमने सामने खड़ा किया। चूंकि इसके पहले जो राज ऋषि है वो कुछ बातें बरगला रहा था, सही बातें नहीं कर रहा था, तो अब जो दोनों के सामने किया गया और पूछताछ की गई, तब एक नया उसमें खुलासा ये हुआ है। जैसे पुलिस को ये पता नहीं था अब तक कि जुहू में शराब पीने के बाद वो बोरीवली में गए, बोरीवली में जाकर उसने तीनों दोस्तों को घर पर ड्रॉप किया, और बाद में वो कार मर्सिडीज कार बदलने के बाद अपनी BMW कार ली और वहाँ से फिर वो मरीन ड्राइव चला गया था। लेकिन ये अब पता चला है कि बोरीवली से मरीन ड्राइव जाने के पहले बीच में, बोरीवली और मलाड के बीच में कहीं जो है कि इसने मिहिर ने फिर से शराब पी है, क्योंकि वो बहुत नशे में था जो जानकारी मिली है। तो एक नई जानकारी मिली कि उसने बीच में कहीं फिर से शराब पी है, उसके बाद वो मरीन ड्राइव गया, मरीन ड्राइव से यू टर्न लेने के बाद ये एक सवाल ये था कि आखिर दोनों ने अपनी सीट कहाँ पे बदली, जो मिहिर शाह था वो ड्राइविंग सीट पे कहाँ आया। तो अब जो जानकारी उभर कर आ रही है कि गिरगांव चौपाटी के पास आया, तो ये जो जानकारी है बहुत ही अहम है, और जो कहानी अब तक थी वो कहीं ना कहीं पुख्ता होती चली जा रही है, और सबूतों के साथ उसको जोड़कर पुलिस उसे मजबूत बना रही है। उसके पास CCTV की तस्वीरें हैं, उसके पास कुछ गवाह भी हैं जिनके बयान लिए गए हैं, जैसे जब उसने टक्कर मारी थी तब वहाँ पर कुछ लोगों ने जो जब प्रदीप ने जब शोर मचाया तो एक टैक्सी वाला आया था जो कि जिसमें बैठकर उसका पीछा करने की कोशिश हुई। इसके अलावा दूसरे वाहन चलाने वालों ने जो देखा कि बोनट पे कार महिला है और कार भागी चली है, उन्होंने इशारा भी किया था, लेकिन उसने दोनों ने रोका नहीं कार को। तो उस तरह के गवाह भी हैं। और एक बात और है कि ये अभी तक हालांकि ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था कि जो महिला है वो बोनट में कहीं फंसी हुई थी, लेकिन ये बात पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब ये लोग भाग गाड़ी जब लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक जब जा रही थी, तब जो साथ में चलने वाले कुछ वाहन हैं उन्होंने इशारा भी किया था कि गाड़ी की बोनट पर कुछ है तो है। और दूसरा, महिला एक पूरी महिला है इतनी बड़ी, वो बोनट पे अगर फंसी हुई है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वो किसी को दिखाई नहीं पड़े। तो साफ तौर पर वो बात झूठी कहीं ना कहीं लग रही है। तो लेकिन पुलिस पूरी अपनी घटनाक्रम को पूरी तरह से इस्टेब्लिश करने में लगभग कामयाब रही है। सभी सबूत CCTV के जरिए, गवाहों के जरिए सब लिया है। इसका मेडिकल भी करा लिया गया है मिहिर का, और चूंकि मिहिर मिलने एक बड़ी इनकी कामयाबी थी, जिसके बाद अब जो है जांच में बहुत तेज़ी आ चुकी है।